सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, हिंदी वर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप स्वयं से बिल्कुल फ्री में अपनी पीएम के साथ केवाईसी कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है तो आपको अपनी पीएम किसान केवाईसी कराना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त है वो आपको मिलना बंद हो जाएगी। तो आपको अपनी पीएम किसान केवाईसी करना काफी ज्यादा जरूरी है। हो सकता है दोस्तों बाद में इसकी अंतिम तिथि आ जाए और आप पीएम किसान केवाईसी ना कर पाए, तो आपको अभी फटाफट इसकी पीएम किसान केवाईसी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको केवाईसी कैसे करनी है उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्वयं से पीएम किसान केवाईसी कैसे करते हैं बिल्कुल फ्री में, इसके बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्वयं से पीएम किसान केवाईसी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना है इस पेज पे, यानी इस वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोल के नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पीएम किसान ई केवाईसी के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप पीएम किसान ई केवाईसी के बारे में जान लें और उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी समझ लें, क्योंकि फ्रेंड्स कई लोग पीएम किसान ई केवाईसी की सेटिंग नहीं कर रहे हैं तो उनका जो पीएम किसान ई केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब देखिए, जैसे आप पीएम किसान ई केवाईसी की सेटिंग यहाँ से कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है सेटिंग करने के लिए। सो यहाँ पर आप क्या करें, अपनी पीएम किसान ई केवाईसी की सेटिंग कर लें और जब आपकी सेटिंग हो जाएगी तब आपको अपनी पीएम किसान ई केवाईसी करनी है। उसके लिए देखिए, आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आइए और यहाँ पर जो लिंक दिया गया है आप इसके ऊपर क्लिक करिए। तो चलिए हम इस लिंक पे करते हैं क्लिक, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। चलिए, जब तक खुलता है थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, देखेंगे आपके सामने ये पेज आएगा और फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उस व्यक्ति का आधार नंबर डालना है जिसकी आप पीएम किसान केवाईसी करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप यहाँ से उन्हीं व्यक्ति की पीएम किसान केवाईसी कर सकते हैं जिनके आधार कार्ड के ऊपर मोबाइल नंबर लिंक होता है। फ्रेंड्स, यह बिल्कुल फ्री प्रक्रिया है और यहाँ पर आपको किसी को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यह बिल्कुल फ्री का काम है। तो चलिए, मैं जिसकी केवाईसी करने जा रहा हूँ उनके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पर हम उनका आधार नंबर डालते हैं और सर्च करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कभी किरवार आपको जो है सीधा सर्वर इज अनअवेलेबल का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा मैसेज, तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। एक बार यहाँ से कैच क्लियर करके, कुकीज को क्लियर करके, रिमूव करके दोबारा इसे खोलना है, दो तीन बार कोशिश करनी है तो ये खुल जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अब आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा जो कि इस आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, उसके बाद हमें गेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और यहाँ पर वो आपको ओटीपी डालना है। और उसके बाद देखिए, जैसे आप ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो अब आपके यहाँ पर आएगा गेट आधार ओटीपी, और जैसे आप गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज जाएगा। फ्रेंड, जो पहला ओटीपी आता है वो किसी भी मोबाइल नंबर पे ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरा ओटीपी आता है वो केवल उसी मोबाइल नंबर पे आता है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। और जब आप वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करेंगे, सबमिट फॉर ऑथ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर आपको मैसेज आएगा केवाईसी इज सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि फ्रेंड्स आपकी केवाईसी सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। दोस्तों, इस प्रकार से आप भी बड़ी ही आसानी से अपनी पीएम किसान ई केवाईसी घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।